बोलिए प्रॉब्लम क्या बताइए। मुझे मुझे गैस बहुत बनती है, कमर से लेके घुटनों में दर्द हो रहा है और कब्जियत बहुत ज्यादा रहती है और नींद नहीं आती है, पानी पीने का मन नहीं करता। अच्छा, गैस बहुत ज्यादा बनता है, कमर में पेट में दर्द रहता है। पेट में नहीं, कमर में और घुटनों में। कमर में और घुटने में दर्द रहता है जी। अच्छा, माथे में दर्द होता है? नहीं, माथे में नहीं। चक्कर आता, चक्कर आता है? नहीं नहीं। अच्छा, कुछ खाते हैं तो पेट हमेशा फूल जाता है, जब तक नहीं खाए रहेंगे तब तक ठीक रहेगा, जैसे कुछ खा लेते हैं पेट एकदम फूल तो तन जाता है। खाली पेट सही रहता है, खाना खाने के बाद प्रॉब्लम बढ़ता है? जी जी। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है आपको? काफी टाइम से हो गया डॉक्टर साहब, फिर भी 5-6 साल हो गए। अच्छा, और कोई शारीरिक समस्या है आपको इसको छोड़कर? वही यूरिन का भी प्रॉब्लम है, मेरा सर्जरियन हो गया चुका है तो सेक्शन निकल गया है जी, तो फिर उससे क्या होता है कि कई बार जैसे बाथरूम से महसूस होता है, उठने के बाद लगता है अपने आप ही निकलने। अच्छा, बाथरूम करने के बाद भी लगता है कि यूरिन जो है इनवॉलंटरी गिर रहा है? नहीं नहीं, जैसे कि अभी बाथरूम में महसूस हुआ कि हुआ है, अभी पहले सोए में रात में महसूस हुआ, जब तक उठ के खड़े होते हैं 2-4 ड्रॉप गिर ही जाता है। अच्छा, इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक गिर जाता है, आपको पता नहीं जी, चलता जी? नहीं। ठीक, पेट साफ होता है? पेट नहीं साफ होता सर, गैस बहुत बनती, डकार बहुत आती है, उसकी वजह से पेट वेट में भी बहुत दिक्कत है। अच्छा, कौन सा खाना ऐसा है जो खाना खाने से आपको प्रॉब्लम होता है? कोई पर्टिकुलर से कोई खाना है जिस खाने से आपको प्रॉब्लम होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मिल्क पी पाती है आप? दूध? नहीं, मिल्क नहीं लेते। मिल्क आपसे अगर अगर नहीं लेते बात, अगर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं, मिल्क प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं लेती हूँ, बाय बर्थ से मैंने कभी नहीं लिया ना, मेरा मन करता है। अच्छा ठीक, चाय पीते हैं आप? नहीं। स्वीट्स खाते हैं? मीठा खाना पसंद है आपको? नहीं, ज्यादा नहीं, चटपटा खाना पसंद है। गुस्सा कैसा आता है? बहुत ज्यादा गुस्सा है? गुस्सा आने पर जो भी आपका आसपास ऑब्जेक्ट उसको उठा कर फेंक देंगे, ऐसा होता है? नहीं नहीं। नॉनवेज खाते हैं आप? नहीं। पसीना कैसा आता है? बहुत ज्यादा आता है? स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है? नहीं, पसीना ठीक ठाक आता है, लेकिन बहुत जैसे बहुत स्मेल सी आती है। स्मेल रहता है पसीने में जी? बॉडी में कोई मस्सा वाट ऐसा कुछ है बॉडी में? मस्सा है गर्दन पे। कितना है मस्सा, एक या दो या अधिक, उससे भी ज्यादा? अधिक ही है। ज्यादा मस्सा है? ज्यादा, हाँ जी। अच्छा, मन का अंदर दया भावना है? कोई गरीब इंसान को देखने से मन का अंदर दया लगता है या दया भावना ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, दया आती है। फैमिली में किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी का आर्टरियों में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम किसी को है फैमिली में? नहीं, किसी को भी नहीं डॉक्टर साहब। स्टमक रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं। किसी को कैंसर हुआ था ऐसा कोई हिस्ट्री है किसी को? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम किसी को है? नहीं, मदर को। गठिया बात का प्रॉब्लम मदर को है थोड़ी बहुत। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, आप जब खाना खाती हो उस समय नमक लेते हो क्या आप? उल्टा मैंने ऊपर से नहीं, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नमक पसंद नहीं है, जो सब्जी पर में ज्यादा तेज होता नहीं खा पाते हैं। ग्रीन चिलीज हाँ, वो खा लेते हैं डॉक्टर। अच्छा लगता है ग्रीन चिलीज खाना जी जी। बैड न्यूज सुनने से कोई प्रॉब्लम होता है आपको? दुखद समाचार सुनने से एकदम हाथ पैर कांपता है, थरथराता है, सब कुछ होता है आपका? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा हाथ पैर में जलन होता है आपका? जी बहुत ज्यादा। हाथ में पैर में जलन होता है? हाथ और पैर में, गर्मियों में ज्यादा होता है, जब पैर में जलन होगा तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द भी होगा मेरे, और सर्दी में जलन नहीं रहेगा तो पैर में दर्द नहीं होता है। तो बैड न्यूज से आपको एग्रावेशन होता है, किसी का अगर दुखद समाचार अगर आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का
मौत हो गया, उससे आपका हाथ पैर कांपता है, थड़थड़ाता है? नहीं, हाथ कांप नहीं, लेकिन घबराहट होती है। घबराहट होती है जी। अगर बहुत ज्यादा अगर कोई शोर शराबा हो रहा है, या फिर कहीं पे कोई मान लीजिए डीजे का साउंड बज रहा है, या बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो उससे आवाज से आपको परेशानी होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा आपको गर्मी लगता है कि ज्यादा ठंड लगता है आपको? गर्मी लगती है। गर्मी लगता है। पानी का प्यास कैसा है आपका, बहुत ज्यादा है कि कम? नहीं, पीने का मन ही नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती मैं 2 लीटर पानी डायरी से पी लेती हूँ। अच्छा, प्यास नहीं लगती बिल्कुल भी? प्यास नहीं लगती है नहीं। कोई ऑपरेशन कुछ हुआ था आपका? कुछ जी, यूट्रस का हुआ पड़ा है। ठीक। सो माय डियर फ्रेंड, अभी आपने जिस पेशेंट का बात सुना, जो केस सुना आपने, इस पेशेंट को बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। पेट साफ नहीं होता है, गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन, अपच, फ्लैक्यूलेंस, फुलनेस, खाना खाने के बाद भरा भरा सा लगना, साथ में कमर में दर्द। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स साइकोटिक मायाज़म के अंदर आती है। तो हमें एक ऐसा मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि एंटी साइकोटिक हो। अब एंटी साइकोटिक मेडिसिन कौन कौन सी है? थुजा है, मेड्रोइनम है, कॉस्टिकम है, सीपिया है, पल्सटीला है, नेट्रम मूर है, नेट्रम सल्फ है, लाइकोपोडियम है, कैल्केरिया काप भी है। तो ये कुछ मेडिसिन एंटी साइकोटिक मेडिसिन ग्रुप के अंदर आती है। तो इसमें से हमें एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा इस पेशेंट का अंदर, इस केस को ठीक करने के लिए। सिम्टम्स क्या मिले मुझे? द पेशेंट इज हॉट, पेशेंट को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, पसीना आता है, पसीने में दुर्गंध होता है, सेकंड हो गया। थर्ड, बैड न्यूज एग्रावेशन, कोई दुखद समाचार आता है तो इनको घबराहट होता है। फोर्थ, पेशेंट का हाथ में पैर में जलन होता है। फिफ्थ सिम्टम है, इनका गले के आसपास मस्से बहुत ज्यादा है। सिक्स सिम्टम की अगर बात करें तो इनका यूरिन इनवॉलेंट्री निकल जाता है, इनको पता तक नहीं चलता है। तो ये सब सिम्टम्स दो मेडिसिन की ओर इंडिकेट कर रहा है, एक है कॉस्टिकम, एक है मेड्राइनम। अब इन दो मेडिसिन में से हमें एक मेडिसिन को सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है कि जब भी दो मेडिसिन का इंडिकेट कर रहा है, कोई एक प्रोमिनेंट ड्रग पिक्चर नहीं आया, कोई एक सिंगल रेमेडी का ड्रग पिक्चर नहीं आया है, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए। तो हमें थोड़ा सा किताब का सपोर्ट भी लेना पड़ जाता है कई बार। कॉस्टिकम का मुझे क्या क्या मिला यहाँ पे? पैरों में दर्द मिला, एवर्शन फॉर स्वीट, मीठा खाना पसंद नहीं है, इसके अलावा इनवॉलेंट्री यूरिन, पेशाब हो जाता है, गले के आसपास मस्सा, ये सब कॉस्टिकम का सिम्टम है। अब मेडोरेनम का क्या क्या सिम्टम मुझे मिले? हाथ पैर में जलन, गले के आसपास मस्सा, ये भी मेडो में पाया जाता है, बैड न्यूज एग्रावेशन। इसके अलावा जो पेशेंट है वो हॉट है, इनको गर्मी से परेशानी होता है, और पानी का प्यास थोड़ा सा अत्याधिक है। तो ये सब सिम्टम को देख के हम लोग मेडोरेनम का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, बट माय सिलेक्शन विल बी कॉस्टिकम। मैं कॉस्टिकम को पहले सिलेक्शन करना चाहता हूँ और मेडोरेनम को अपना हाथ में रखना चाहता हूँ। अगर कॉस्टिकम से फायदा नहीं हुआ तो मैं मेडोरेनम के बारे में बिल्कुल सोचूंगा, लेकिन कॉस्टिकम मैं पहले इनको देना इसलिए चाहता हूं क्योंकि इस पेशेंट का अंदर इनवॉलेंट्री यूरिनेशन का प्रॉब्लम है। इनका पेशाब हो जाता है लेकिन इनको पता तक नहीं चलता है, ये सबसे बड़ा की सिम्टम होता है कॉस्टिकम का। सेकंड सिम्टम की अगर बात करें तो वाट, मस्सा, और वो भी गले के आसपास जो मस्सा होता है वो कॉस्टिकम ज्यादा इंडिकेट करती है मेडोरेनम से। थर्ड सिम्टम है फर्निशियस फूड खाने के बाद एग्रावेशन होना, ये कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, मैक्स वोमिका, नेट्रम कार्प, नेट्रम मूर, इन मेडिसिन का अंदर पाया जाता है। तो कॉस्टिकम हमारा मेडिसिन, अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरलिटी से अगर आप देखेंगे, फूड चैप्टर अगर आप देखेंगे, तो वहां पे आप देख पाएंगे फर्निशियस फूड एग्रावेट कौन कौन सी मेडिसिन है, आप देख सकते हैं वहां पे। केलेडोनियम भी वहां पे मौजूद होगा मेरे ख्याल से। तो ये मेडिसिन वहां अवेलेबल है और इन मेडिसिन पे कॉस्टिकम भी वहां पे अवेलेबल जरूर होगा। और कॉस्टिकम का पेशेंट का अंदर खाना खाने के 2 घंटा बाद प्रॉब्लम होता है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम खाना खाने के 2 घंटा बाद होता है, और ये मॉर्निंग टाइम में होता है, ब्रेकफास्ट के बाद ज्यादा होता है। तो ये पेशेंट के अंदर भी ये चीज पाया गया है। फोर्थ सिम्टम की बात करें, इनको मिर्च खाना
चिलीज खाना इनको पसंद है। तो कॉस्टिकम का पेशेंट बोथ प्रिफर फॉर सॉल्ट एंड चिलीज। हालांकि इस पेशेंट का अंदर क्रेविंग फॉर सॉल्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन चिली ये पेशेंट खाते हैं। फिफ्थ सिम्टम की बात करें तो पेशेंट बहुत दयालु है, सिंपैथेटिक है। अगर गरीब इंसान को देखता है तो उसको हेल्प करने का इनको मन चाहता है और हेल्प करते भी है। इसके अलावा जो और एक सिम्टम है वो है स्ट्रॉन्ग एवर्शन फॉर स्वीट। इनको मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है इनको स्वीट खाना पसंद नहीं होता है। कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, फॉस्फोरस, इनमें स्वीट की क्रेविंग ज़्यादा नहीं होती है। इसको छोड़कर और एक सिम्टम है कि इनका कमर में, और वो भी राइट रीजन में, राइट रीजन का कमर में इनको दर्द होता है, पेन होता है, लेग में दर्द होता है। तो ये भी कॉस्टिकम का अंदर पाया जाता है। कॉस्टिकम इज ए ग्रेट मेडिसिन फॉर अर्थराइटिस, रिमोटिज्म। तो यहाँ पे लेग पेन अगर हो रहा है, कमर में अगर दर्द हो रहा है, और वो भी राइट लेग या राइट पेन में, अगर राइट शोल्डर या राइट लेग में अगर दर्द हो रहा है, तो कॉस्टिकम को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि कॉस्टिकम इज अ राइट साइडेड रेमेडी। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी है, स्टूल हार्ड होता है और छोटी छोटी बॉल्स के अंदर होता है, ये भी एक सिम्टम है कॉस्टिकम का। तो अब इस पेशेंट को मैं कॉस्टिकम प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, कॉस्टिकम 1 mg and 10 mg मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, दो दो डोज करके प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, साथ में PLRS 0/1, 0/2 पहले 2 महीने के लिए। आफ्टर 2 मंथ देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट इनका अंदर हो रहा है। इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से इनका अंदर हो जाएगा। इनके से अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो मैं देखूंगा, सोचूंगा आगे क्या करना पड़ेगा। कॉस्टिकम का पोटेंशियल अगर बढ़ाने का रहेगा तो बढ़ाऊंगा, या मेडोरेनम पे अगर स्विच ऑफ करना होगा तो मेडोरेनम भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, वो मेरा हाथ में, वो भी वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है। अगर मेरा कॉस्टिकम फेल होता है, वेल सिलेक्टेड रेमेडी अगर फेल होता है, तब मैं मेडोरेनम के बारे में सोच सकता हूँ, वो भी इंडिकेट कर रहा है पेशेंट का अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में करिए सवाल, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।